और आपके साथ मैं हूं अनुजा। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस पेशकश पर कांग्रेस आला कमान ने अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब खबर आ रही है कि पार्टी सिद्धू के इस्तीफे को मंजूर कर सकती है। सिद्धू के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित अपने सहयोगियों के साथ निरंतर बिगड़ते संबंधों के कारण पार्टी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि पार्टी उस इस्तीफे को स्वीकार कर सकती है जो सिद्धू ने कुछ दिनों पहले ही दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की थी। पार्टी ने उनके सार्वजनिक इस्तीफे और बार बार की गई टिप्पणियों को लेकर किसी तरह की दया नहीं दिखाई है। सिद्धू द्वारा दिए गए इस्तीफा स्वीकार किए जा सकते हैं। पार्टी संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। हालांकि यह अभी भी एक खुला मुद्दा है। यदि कांग्रेस वास्तव में सिद्धू को पंजाब के अध्यक्ष के रूप में हटा देती है तो यह पिछले कुछ महीनों में राज्य की राजनीतिक घटनाओं में एक नया मोड़ होगा। आपको बता दें कि सिद्धू ने लगातार मतभेद के कारण ही तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सिद्धू को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। यदि सिद्धू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर होगी। उनके पास अभी भी कांग्रेस के बाहर विकल्प हैं। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा था कि वह पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगे। बाद में एक ट्वीट में कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी भी उन्होंने उसकी पुष्टि की थी। उन्होंने प्रियंका गांधी की यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा पर उनके सुझारू रुखों के लिए भी सराहना की थी। सिद्धू ने पार्टी विधायकों और मंत्रियों के साथ खीरी तक एक मार्च का नेतृत्व किया जिसने एक प्रभाव पैदा किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 News के साथ।